ये क्वेश्चन हमारा दिख रहा है कि ये जो x है आपका x स्क्वायर का डेरिवेटिव है ना, तो ये आपका किस फॉर्म से मैच करता है इंटीग्रल के, x dx माइनस लिखेंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ पे जो भी चीज़ है ठीक है उसका डेरिवेटिव कितना आएगा, माइनस टू एक्स आएगा, लेकिन यहाँ सिर्फ x है तो हम क्या करें, माइनस टू से मल्टीप्लाई करें और बाहर माइनस टू से क्या कर लें, डिवाइड कर लें ठीक। अब ये फॉर्म क्या हो गया, ये f ऑफ जी एक्स हो गया और g डैश x हो गया ठीक है। जैसा फॉर्मूला आपको दिख रहा है कि इसका इंटीग्रल क्या होगा एफ एक्स, जो भी e का इंटीग्रल है वही आप आंसर लिख दोगे। तो e का इंटीग्रल क्या आता है आपका, e ही आता है ना, e की पावर x होता तो e की पावर x आता, e की पावर अगर एफ एक्स है या जी एक्स है तो e की पावर जी एक्स ही आएगा इंटीग्रल। तो इसका आंसर सीधे हो जाएगा 1/2 e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये आंसर हो गया ठीक। अब इसे क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखते हैं मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन से कैसे डील करते हैं। मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन के लिए आपको ये आइडिया लगनी चाहिए कि क्या टी पुट करना है। यहाँ से आपको आइडिया लग रही है कि जो एक्स स्क्वायर है इसका डेरिवेटिव कहीं ना कहीं ये एक्स है ना, तो आप सबसे पहले वहीं हिट करते हो, तो कहते हो एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, लेट एज्यूम कर लेते हो, तो ये क्या हो जाएगा आपका टू एक्स डी एक्स डी टी के इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स डी एक्स डी टी बाई टू हो जाएगा। तो ओरिजिनल क्वेश्चन आपका जो है एक्स डी एक्स न्यूमरेटर से वो डी टी बाई टू हो गया और नीचे e की पावर क्या हो गया आपका टी हो गया, 1/2 बाहर कर लीजिए कांस्टेंट है वैसे ही बाहर आ जाएगा, और ये e की पावर क्या हो गया आपका माइनस टी डी टी हो गया। अब e की पावर माइनस टी का इंटीग्रल क्या होता है आपका, ये हो जाएगा आपका e की पावर माइनस टी और 1/a, क्योंकि यहाँ t का कोफिशियंट यहाँ पे माइनस वन है तो 1/-1 आएगा, तो यहाँ पे माइनस वन लिखोगे ठीक है प्लस c, लेकिन t के टर्म में आंसर छोड़ना नहीं है तो माइनस 1/2 e की पावर माइनस और t क्या था आपका एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर प्लस c ठीक है। तो इधर से भी आंसर वही आ गया आपका।